हाँ तो अभी आज शाम का एक लेक्चर है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट के लिए जा रहा हूँ। और आज का एक लेक्चर जो है वो फेसबुक मार्केटिंग का है। फेसबुक पे हम मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और पेड दोनों। ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में भी क्या फ़र्क है, थोड़ा समझ लेते। फेसबुक पे मान लीजिए कि हम पेज बना रहे, फेसबुक पे मैंने एक बिजनेस का पेज बना दिया और उसके अंदर जो डेली मैं कंटेंट अपडेट कर रहा हूँ, डेली जो मैं कंटेंट अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो हैशटैग रिसर्च, कंटेंट रिसर्च के द्वारा और इन्फोग्राफिक यानी कि इमेजेस वगैरह के थ्रू मैं पोस्ट बना रहा हूँ, पोस्ट लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये जो होता है ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहा जाता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसमें मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐड करने के लिए ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बिना पैसे के भी ये काम हो जाते हैं। लेकिन अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि फेसबुक ने जो ऑर्गेनिक रीच है ना वो लगभग ख़त्म कर दिया है। पता नहीं अब ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ पेड प्रमोशन पे फोकस कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है या जो भी है। अब इस चक्कर में हो क्या रहा है कि बहुत से लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि मैक्सिमम अगर मुझे एंगेजमेंट चाहिए ऑर्गेनिक तो मुझे क्या करना होगा, फेसबुक पे एक पोस्ट कर दिया, पोस्ट करने के बाद मैंने कुछ दिन में 6-7 ग्रुप पे शेयर कर दिया। अब ग्रुप में शेयर करने से चलो ट्रैफिक तो आ जाता है, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कंप्लेंट आ रहा है, जैसे कि मुझे भी कॉल करते हैं कुछ लोग कि सर फेसबुक ने हमारा पेज को ब्लॉक कर दिया है या हमारे अकाउंट को टेम्प्रेरी सस्पेंड कर दिया है। तो ये जो बल्क एक्शन वाला जो मामला है, जो मैक्सिमम आप शेयर करते हो तो स्पैमिंग में काउंट हो रहा हो, इसका कोई मतलब नहीं निकल के आता है। अगर हम जस्ट ट्रैफिक, हम ये सोचते हैं कि मैंने एक पोस्ट कर दिया, उस पोस्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना है, या फिर मैं ये समझ के चलता हूँ कि उस पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा आना चाहिए, लाइक शेयर कमेंट या फिर रीच ज़्यादा होना चाहिए, ये भी मैं कह सकता हूँ। अब हमें ये समझना है कि जो आपने पोस्ट किया हुआ, जैसे एग्जांपल मेरा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इसका मैंने एक पोस्ट बनाया, मेरे फेसबुक पेज जो डिजिटल मार्केटिंग ज्ञान के नाम से, मैं उस पर मैंने अपलोड कर दिया या पोस्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ फूड के रिलेटेड ग्रुप है या फिर कुछ फैशन के रिलेटेड ग्रुप है, मैं अलग अलग ग्रुप में इसको शेयर करता हूँ, नो डाउट मुझे वहाँ पर रीच आएगी, लेकिन वो मेरे रिलेवेंट नहीं है, वो रिलेवेंट नहीं है मेरे, क्योंकि मेरा कहना ये है कि भाई कि मेरा जो पोस्ट है वो मैक्सिमम उन लोगों को दिखे कि जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढ रहे हैं या उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, मैं गलत डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, मेरा पोस्ट गलत डायरेक्शन पे जा रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि भाई कि फेसबुक अभी फिलहाल ऑर्गेनिक रीच को तो वैसे भी ख़त्म ही कर चुका है या कर रहा है, तो सही तरीका क्या है? तो सही तरीका ये है कि अगर ऑर्गेनिक जाना ही है आपको तो आप बिजनेस सूट का यूज़ करिए, फेसबुक बिजनेस सूट, जिसे हम पहले पब्लिशिंग टूल के नाम से जाना जाता था। तो जो पहले पब्लिशिंग टूल था, फेसबुक पब्लिशिंग टूल था, अभी फ़िलहाल उसका नाम मेटा बिजनेस सूट के नाम से उसे जाना जाता है, अभी उसका इस्तेमाल करिए। उसमें बहुत से ऑप्टिमाइजेशन के मतलब उस टूल्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन का बहुत ऑप्शन है वहाँ पे। अगर ऑर्गेनिक आपको करना ही है तो उस टूल का यूज़ करिए। अगर आप वीडियो पब्लिश कर रहे हो ज़्यादा, मान लीजिए आप ब्लॉगर हो और ब्लॉगिंग करते हो, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्टली फेसबुक पे अपलोड मत करिए उसे। मैंने facebook.com में गए, पेज ओपन किया, उसका वहाँ पर वीडियो अपलोड मत करिए, आप क्रिएटर स्टूडियो का इस्तेमाल करिए, क्रिएटर स्टूडियो, और वहाँ पर उसे अपलोड करिए, ठीक है। तो ये आज का एक जो टिप्स कही है या ये थोड़ा सा मैंने आपको देने की कोशिश की। मिलते हैं एक नेक्स्ट दूसरे नए वीडियो के साथ। अच्छा, ये वीडियो में क्या मुझसे गलती हो रही है या और क्या आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा। फ़िलहाल तो मैं चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि
आवाज़ में क्लियरिटी ना हो, फिर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से आजू बाजू के जो साउंड आ रहे हैं वो नहीं आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। और मेरे जो अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, लाइक सब्सक्राइब, तो आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और Facebook में देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।